हेलो दोस्तों, बी एच यू इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया। तीन बुक से पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहली बुक है अवतार, दूसरी बुक है काका प्रकाशन और तीसरी बुक है विद्या प्रकाशन। तो इन तीनों बुक से मैं जो सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है वो पढ़ने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको। अगर जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको फ्री में इस चैनल पर से नोट्स देने वाला हूँ और पीडीएफ देने वाला हूँ। तो आपको आपसे पीडीएफ और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। जिस विषय का भी आपको नोट चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे जो भी आपको नोट चाहिए या फिर जिस विषय पर भी आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ उसको कमेंट करके मैं उसको आपको बनाऊँगा। तो चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेते हैं। पर हम सबसे पहले अवतार जो बुक है उसका सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर काका प्रकाशन का पढ़ेंगे, उसके बाद विद्या प्रकाशन का पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है हमारे अवतार बुक में उसका हम सेंट्रल आइडिया पहले लेसन का पढ़ते हैं, जो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये आपको तीन पोएम इंग्लिश पोएट्री से दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक का आपको लिखना रहेगा सेंट्रल आइडिया, इसीलिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 नंबर निर्धारित है, यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। और यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2018, 14, 13 और 12 में भी आ चुका है। तो सेंट्रल आइडिया 6 नंबर का है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा लगे तो आप इसको लिख लीजिएगा या फिर जो काकर प्रकाशन है उसका लिख लीजिएगा या फिर विद्या प्रकाशन वाला लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। According to Sir Henry Wotton, a man is a happy if he is not subject to another's will. यानी सर हेनरी वॉटन के अनुसार वही व्यक्ति सुखी है जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अधीन नहीं है। Such a man is independent, truthful and honest. ऐसा व्यक्ति आज़ाद, सच्चा एवं ईमानदार है। He is not to slave to his passions. वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। He is not afraid to डेथ और पब्लिक क्रिटिसिज्म, वह व्यक्ति या सार्वजनिक आलोचना से डरता नहीं है। ही इज़ फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एनेक्सिटीज एंड एविल्स सच एज जेलसी, वह सांसारिक चिंताओं एवं बुराइयों जैसे ईर्ष्या, घृणा एवं दोष से क्रोध से दूर रहता है। ही फॉलोज द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियसेंस, वह प्रतिदिन वह अपनी चेतना की आवाज़ सुनता है तथा चापलूसों एवं अफवाहों से सावधान रहता है। यहाँ पर इसका छोड़ गया था। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ द फ्लैटर्स एंड रूमर्स, यानी वह अपनी चेतना की आवाज़ सुनता है और चापलूसों एवं अफवाहों से सावधान रहता है। ही प्रेज टू गॉड डेली फॉर हिज ब्लेसिंग एंड नॉट और वर्ल्डली थिंग्स, वह प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना केवल उनका आशीर्वाद लेने के लिए करता है, न कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। ही फेसेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक और गुड फ्रेंड, वह अपना समय एक अच्छी पुस्तक पढ़ने एवं अच्छे मित्र की संगत में व्यतीत करता है। ही रिएक्ट इन द सेम वे टू बोथ ईच फेयर्स एंड अचीवमेंट्स, वह अपनी असफलता एवं उपलब्धियों में एक समान व्यवहार करता है। ही हैज सेल्फ कंट्रोल एंड इज सेटिस्फाइड विथ वाट ही इज, उसमें संयम है एवं जो भी उसके पास है वह उससे संतुष्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल आइडिया था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया, वो यहाँ पर से ख़त्म हो गया। ये सेंट्रल आइडिया आपका अवतार बुक से था, अवतार बुक, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं काका प्रकाशन की बुक से सेंट्रल आइडिया, जो कि पहले लेसन है हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया, यहाँ पर इसमें 4 मार्क दिया है, यानी 6 मार्क आपको आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कई परीक्षा में यानी कि यहाँ पर ये काका प्रकाशन कई बुक ज़्यादा समय से चल रहा है, तो यहाँ पर सबका एक हिस्सा देता है। यहाँ पर 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 यहाँ पर सब में पूछा गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए।
इसमें क्या दिया, चलिए पढ़ते हैं। अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही इज नॉट आफ्टर मनी, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, ही फियर्स गॉड, ट्रूथ इज द गाइड ऑफ हिज लाइफ, ही डज नॉट हार्म अदर्स, ही डज नॉट केयर ऑफ डेथ, फॉर हिम जॉयस एंड सॉरोस आर लाइक, ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द विल ऑफ द पीपल, ही डज नॉट वॉट ही थिंक्स प्रॉपर। यहाँ पर हमने काका प्रकाशन का जो सेंट्रल आइडिया था, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप उतना बड़ा याद नहीं कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप उतना नहीं लिख सकते तो ये भी लिख सकते हैं। अगला हमारा जो विद्या क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर है सेंट्रल आइडिया, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए विद्या क्वेश्चन बैंक का भी सेंट्रल आइडिया पर पढ़ लेते हैं। इन दिस डायडेक्टिक पोएम सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। He should be free from jealousy, ill will, and worldly anxieties. He should be very careful of flatters and rumors. He should pray to God daily for godly merits. He should neither be overjoyed in his achievement or disconsolate in failures. He should be master of himself. Contentment and self-respect are the greatest virtue of a happy man. तो यहाँ पर हमने जो कि सेंट्रल आइडिया था करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ उसका हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर से जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जिस विषय का भी आपको PDF नोट चाहिए उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा आपके लिए और आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए बीच चैनल से।